Good morning students, welcome back. Now we will continue our geography book, chapter number six, manufacturing industry. In last videos, you have studied about the meaning of manufacturing. We have also classified industry. In next content, we have study about the industry on the basis of on the basis of raw material, in which we have studied about the agro-based industry. In first point, we have discussion about दी कॉटन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री नाउ दी सेकंड इंडस्ट्री दट इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर दट इज ज्यूट इंडस्ट्री तो हम यहां पर पड़ेंगे ज्यूट इंडस्ट्री के बारे में लास्ट वीडियोज में हम लोग जान चुके इसमें कंप्लीट कॉटन इंडस्ट्री के बारे में अब बात करते हैं हम लोग ज्यूट इंडस्ट्री के बारे में इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो ज्यूट एंड ज्यूट गुड्स एट स्टैंड एट दी सेकंड प्लेस एज एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश जूट के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है और सेकंड नंबर पे कौन आता है चाहे हम जूट की बात करें कच्चे माल की बात करें या एक तरह से तैयार माल की बात करें तो उसमें सेकंड स्थान इंडिया का आता है यानी कि बांग्लादेश के बाद इंडिया सेकंड प्लेस पे है जूट के उत्पादन में देयर वर अबाउट एटी जूट मिल इन इंडिया इन टू थाउजेंड एन इलेवन दो हजार दस ग्यारह की बात करें तो लगभग अस्सी जूट मिल थी इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल आप लोग जानते हैं कि जूट के लिए मैं इनकी स्टेट को जाना जाता है वेस्ट बंगाल को इसलिए सारी की सारी ये जो मिले थी वो पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है मेनली एलोंग दी बैंक ऑफ हुगली रिवर ज्यादातर ये कहां पर है हुगली रिवर जो हुगली नदी है बंगाल में बंगाल की हुगली नदी के ऊपर ये लोकेटेड है ज्यादातर मिल हमारी इन्हें नैरो बेल्ट नाइन्टी एट किलोमीटर लॉन्ग एंड थ्री किलोमीटर वाइड कहते नैरो बेल्ट है जो लगभग नाइंटी एट किलोमीटर लंबी है और थ्री किलोमीटर वाइड है हुगली नदी के किनारे पर ज्यादातर हमारी मील लगाई गई है क्यों लगाई गई क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है वाई मोस्ट ऑफ दी जूट मील आर लोकेटेड ऑन हुगली रिवर हुगली रिवर के किनारे पर ही ज्यादा क्यों लगाई गई क्योंकि सबसे बड़ा उत्पादक है जूट का इंडिया में कौन वेस्ट बंगाल है इसके अलावा जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो नदी के द्वारा वेस्ट बंगाल ऑन दी बैंक ऑफ हुगली रिवर दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट दैट फर्स्ट जूट मिल कहां पर लगी थी कब लगी थी फर्स्ट जूट मिल वो सेटअप नियर कोलकाता इन एटीन फिफ्टी नाइन एट रिसरा देर आर समू मस्ट है पहली मिल लगी थी कहां पर कोलकाता कोलकाता में लगी थी ज्यूट मिल रीमेड इन इंडिया बट थ्री फोर्थ ऑफ द ज्यूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेन टू बांग्लादेश रेस्ट वेल ईस्ट पाकिस्तान कहते कि पार्डिएशन के बाद यानी कि उन्नीस सौ सैंतालीस में जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ आप लोग जानते हैं कि जो बांग्लादेश बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था तो इंडिया की जो मिल थी थ्री फोर्थ मिल इंडिया में सबसे ज्यादा जूट थे पहले और सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था लेकिन थ्री फोर्थ जो पार्ट है जूट का वो चला गया था कहां पर चला गया बांग्लादेश में चला गया यानी कि पार्टीशन के समय बहुत सारा पार्ट इंडिया का बांग्लादेश में चला गया था फैक्ट्री इज फॉर देयर लोकेशन द हुगली बेसिन ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया देखिए यहां पर कौन कौन से फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल है कि ज्यादातर जो मिल है हमारी वो हुगली नदी के किनारे पर ही लोकेटेड की गई है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं यहां पर देखिए इसमें इनएक्सपेंसिव वॉटर ट्रांसपोर्ट सपोर्ट बाय ए गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे रोडवेज एंड वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल कहते कि सबसे पहले तो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट एक अच्छा नेटवर्क है वहाँ पर रेलवे का रोडवेज का वोटरवेज का जो क्या करता है रो मेटेरियल को यानी कि लाने ले जाने में आसानी से उपलब्ध करा देता है सेकंड फैक्टर क्या अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रो रो जूट कहते हैं कि कच्चे जूट को यानी कि प्रोसेस में डालने के लिए जो पानी की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है वो भी वहां पर आसानी से उंगली नदी के किनारे पर है तो नदी में बहुत सारा पानी वहां पर अवेलेबल है चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडिंग स्टेट ऑफ बिहार उड़ीसा कहते हैं कि वहां पर सस्ती लेबर है जो वेस्ट बंगाल में या उसके जो स्टेट्स हैं बिहार उड़ीसा और यूपी से बहुत सस्ते में मजदूर वहां पर आते हैं कोलकाता एज लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइडिंग बैंकिंग इंश्योरेंस पोर्ट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड कहते हैं कि इसके अलावा जो कोलकाता बंदरगाह हमारी वो भी क्या करती है वहां पर बैंकिंग है इंश्योरेंस है और पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे जूट को आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकता है दूसरे कंट्रीज में भेजा जा सकता है इन द जूट इंडस्ट्री वॉज स्पोर्टिंग थ्री पॉइंट सेवन लैक वर्कर डायरेक्टली एंड अदर फोर्टी लैक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हु वर हुआज इन कल्टिवेशन ऑफ जूट एंड मेस्ता कहते हैं कि 2010-11 की अगर हम बात करें जूट इंडस्ट्री तीन पॉइंट सात लाख लोगों को सीधा डायरेक्ट रोजगार प्रदान करती है इसके अलावा चालीस लाख वो छोटे फार्मर हैं मध्यवर्गीय फार्मर हैं जो जूट का उत्पादन करते हैं मेनी मोर पीपल वर एसोसिएटेड इनडायरेक्टली इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जूट इंडस्ट्री में अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं चैलेंज फेस बाय इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल कॉम्पिटिशन अब देखिये यहाँ पर प्रॉब्लम कौन कौन सी फेस करती है हमारी जूट इंडस्ट्री के सामने कौन कौन से चैलेंज है मार्केट फ्रॉम सेंथेटिक सबस्टिट्यूट एंड अदर कॉम्पिटिटर लाइक बांग्लादेश ब्राजील फिलिपाइंस इजिप्ट थाईलैंड इंटरनेशनल डिमांड है कि अब ज्यादातर जो जूट है जूट की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है जैसा कि आप लोग जानते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वो भी किसके अकॉर्डिंग बनाती है भाई आप लोग पॉलिथीन का यूज ना करें पोली बैग को एक तरह से बायकआउट करने के लिए सरकार मेन फोकस करे तो इस कारण से क्या हमारी जूट इंडस्ट्री अब तेजी से विकसित हो रही है टू स्टलेट डिमांड फोर प्रोडक्ट नीड दायवर्सिफाइड इन टू थाउजेंड फाइव नेशनल जूट पॉलिसी फॉर्मुलेटेड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेन डिड नेशनल जूट पॉलिसी फॉर्मुलेटेड कब बनी थी जूट पॉलिसी दो हजार पांच में ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके पहला ऑब्जेक्टिव देखें इंक्रीज प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादन को बढ़ाना भाई जूट का उत्पादन जो किशान करते हैं उनके उत्पादन को बढ़ाना इंप्रूविंग क्वालिटी क्वालिटी को सुधारना एंश्योरिंग गुड प्राइस ऑफ द ज्यूट फार्मर मार्केट फार्मर्स एंड चार्स दर्ड पर हेक्टेयर कहते हैं कि इसके अलावा जो फार्मर है उनको अच्छे प्राइस दिलाना और प्रति हेक्टेयर उत्पादन को भी बढ़ावा देना दैट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल जूट पॉलिसी विच वॉज फॉर्मड इन टू थाउजेंड फाइव दट इज मोस्ट इंपोर्टेंट यू मस्ट हैव टू बी आउटलाइन एंड आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन मार्केट आर यूएस कनेडा रसिया यूनाइटेड अरब रिपब्लिक यूके एंड ऑस्ट्रेलिया कहते हैं कि हमारी जो मेन मार्केट है जहां पर हम लोग जूट को एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए कनेडा रसिया अरब रिपब्लिक यूके और ऑस्ट्रेलिया में द ग्रोविंग ग्लोबल कंसर्न ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोडेग्रेबल मटेरियल हैज वंस अगेन ओपन अपॉर्चुनिटी ऑफ जूट प्रोडक्ट कहते हैं कि जैसे हमारा प्रण प्रदूषण और वगैरह यूज करने से तो आज के समय में क्या है जूट की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है और जूट इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के नए अवसर हमारे सामने आए हैं तो दैट इज दी विच वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर दैट इज कॉल्ड जूट इंडस्ट्री दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यू मस्ट हैव टू टू बी रिमेंबर अबाउट ऑल रिलेटेड जूट इंडस्ट्री एंड द थर्ड और दी लास्ट इंडस्ट्री विच वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इज सुगर इंडस्ट्री यानी कि यहां पर हम लोग बात करेंगे चीनी उद्योग के बारे में इंडिया स्टैंड सेकंड एज वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ सुगर बट ऑक्यूपाई दी फर्स्ट प्लेस इन देखो शुगर के उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान है सेकंड स्थान है सेकंड नंबर पर हम लोग आते हैं चीनी के उत्पादन में बट ऑक्यूपाई दर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी यानी कि जो गुड़ होता है और खांडसारी होता है उसके उत्पादन में हम लोग पहले स्थान पर है जो गुड़ है या देसी जो चीनी होती है देसी खांड होती है उसके उत्पादन में हम लोग जनरली अगर हम बात करें देसी चीनी और गुड़ के उत्पादन में हम पहले स्थान पर है चीनी के सेकंड गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में वी आर ऑन सेकेंड प्लेस इन दर्ल्ड दी रॉ मटेरियल यूज इन दी इंडस्ट्री इज बल्कि इन होलेज इट्स कोर्स कंटेंट रिड्यूस वेयर शुड द मिल्स आर आइडली लोकेटेड कहते हैं कि ज्यादातर अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री में जो कच्चा माल यूज होता है वो थोड़ा भारी होता है आप लोग जानते गन्ने में वेट ज्यादा होता है और उसमें कहीं ना कहीं जो ए, स्कोर्स होता है एक तरह से रस की मात्रा होती है जिस कारण से उसका भार ज्यादा होता है वेयर शुड दी मेन बी आइडली लोकेटेड कहते हैं कि ज़्यादातर जो मिल है हमारे शुगर मिल है वो कहाँ पर लोकेटेड है इन इन देयर वर ओवर ओवर शुगर मिल्स कंट्री स्प्रेड उत्तर प्रदेश बिहार एंड महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एंड गुजरात अलोंग विद पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ज्यादातर जो मिल हमारे दो हजार दस ग्यारह में ये मिल ज्यादातर हमारे किन किन स्टेट्स में है महाराष्ट्र में है कर्नाटक में है बिहार में है तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश में गुजरात में है। और दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सिक्सटी परसेंट मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश बिहार और साठ परसेंट जो मिल है हमारे शुगर मिल वो यूपी में और बिहार में सबसे ज्यादा यानी कि यूपी बिहार साठ परसेंट मिल वहीं पर लगे हुए हैं अकेले दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर और ये जो इंडस्ट्री है किस तरह की इंडस्ट्री है सीजनल है नेचर में अगर हम बात करें तो सीजनली काम रहता है इसमें चार पांच महीने तक ही इट इज आइडली स्यूटिड टू दी कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं कि ज्यादातर जो इंडस्ट्री हमारी सुगर इंडस्ट्री है कौन से सेक्टर में आती है कोऑपरेटिव सेक्टर में आती है चाहे वो हम बिहार के मिल की बात करें चाहे वो हम लोग कहीं के मिल की बात करें ज्यादातर जो मिल है वो हमारी काम पर लोकेटेड है वो हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर्स में आती है कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज सो कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज सो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है इन रिसेंट ईयर देर इज ए टेंडेंसी फॉर मिल शिफ्ट कंसनट्रेटेड इन दी साउथर्न एंड दी वेस्टर्न स्टेट स्पेशली इन महाराष्ट्र क्या आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में ज्यादातर जो मिल है हमारी वो कहां शिफ्ट हो रही है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट महाराष्ट्र में स्पेशली हम बात करें तो महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हो रही है ज्यादातर ऐसा क्यों हुआ बिकॉज द केन प्रोड्यूस देयर हैज ए हायर स्कोर कंटेंट क्योंकि जो गन्ना वहां पर प्रोड्यूस किया जाता तो है उसमें रस की मात्रा बहुत ज्यादा है द कूलर क्लाइमेट आल्सो एनश्योर लॉन्ग क्रेशिंग सीजन कहते कि वहां का ठंडा क्लाइमेट है इस कारण से वहां पर जो सीजन है गन्ने का वो लंबे समय तक चल पाता है मोरवर्दी कॉपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट कहते कि ज्यादातर जो कॉपरेटिव है वो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है कहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर यानी कि फेवरेबल क्यों मानते हैं हम लोग ज्यादातर मिल है वो यूपी बिहार से महाराष्ट्र की ओर शिफ्ट क्यों होने लगी लगे आर दी मेन कोजेस दैट आर दी मेन वी हैव मेजर कौन कौन से नी है सीजन नेचर ऑफ इंडस्ट्री एक तो ये जो हमारा ए, गन्ना है साल में एक बार इसकी फसल ग्रोन की जाती है इसलिए इसका नेचर सीजनल है ओल्ड एंड एफिशियंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन हमारे उत्पादन के जो मेथड है वो बहुत ही पुराने हैं ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन फैक्ट्रीज एंड द नीड ऑफ मैक्सिमम यूज ऑफ बैगिंग कहते हैं कि यहां तक कि ज्यादातर कई बार ट्रांसपोर्ट भी डिले कर देता है गन्ने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में और कई बार आपने देखा होगा शायद कि जो गन्ना होता है गन्ने के अंदर यानी कि जो खोई होती है गन्ने की जो वेस्ट मटेरियल होता है उसकी भी कहीं ना कहीं डीकम्पोज करने की काफी प्रॉब्लम्स आती है तो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू शुगर इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री में इंडिया का कौन सा प्लेस है फर्स्ट प्लेस गुर एंड खानसारी में वी आर ऑन सेकेंड प्लेस

Sugar base, uh, sorry, agro-based industry. In next videos, we have discussion about mineral-based industry in detail.